गाइज, अगर आप लोग भी एक महीने में अपनी लेग्स को टोन अप करना चाहते हैं और उनके बीच में गैप मेंटेन करना चाहते हैं, तो बस मेरी बताई हुई आसान सी ये तीन एक्सरसाइज फॉलो करनी है। एग्जैक्ट पॉस्चर फॉलो करना और अपने आप को रोजाना जितने मैं रैप्स बताऊंगी इतना टाइम देना, लेकिन कंटिन्यूस आपको 1 मंथ इसको फॉलो करना है। डेफिनेटली आपकी थाइस, आपके बट्स बहुत टोन अप हो जाएंगे, इनको जितना भी बल्कीनेस है, फैट है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। आपके जो थाइस उनके बीच में भी बहुत अच्छा गैप मेंटेन हो जाएगा। और स्पेशली ये लेजी गर्ल्स के लिए है, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट नहीं करना और थोड़े से एफर्ट में ही उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें लेना होगा एक प्लेट। यहाँ पे मैंने लिया है 7.5 किलो की एक प्लेट। आप इससे कम भी ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना वेट ले पाएंगे, आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है। लेकिन बिना वेट के आपको ये नहीं करना है, क्योंकि वेट से आपका ज़्यादा जल्दी अच्छा इफेक्ट आता है। हमने करने हैं स्क्वेट इसको लेकर। इसमें आपको अपनी लेग जितनी ओपन करनी है, आपके घुटने आगे नहीं जाएंगे, बैलेंस रहेंगे, हिप आपका पीछे रहेगा जो स्क्वेट पोजिशन होती है, इतना आपने बेंड करना है, देन वापस। और घुटने आपके पूरे नहीं खुलेंगे, इतने बेंड ही रहेंगे, यही इसका करेक्ट पॉस्चर होता है। और दोबारा आपको बेंड होना है, कम से कम आपको 15 करने हैं और 15 के 2 सेट्स करने हैं डेली। 15 रैप्स कंप्लीट होते हैं, आपको इसके करने हैं लेकिन 2 सेट। प्लीज़ इन तीनों साइज को इतना ही फॉलो करना, तभी आपको बहुत ही जल्दी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब हम करने वाले हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज, ये है लंजेस। इसके लिए हमें सेम पोजीशन पे खड़े होना है, वेट लेना है, अगेन हम प्लेट का यूज़ करेंगे। एक पैर आगे लेके जाइए और एक पैर पीछे, कमर सीधी रहेगी। इस तरीके से आपको अपने आप को बेंड करना है, प्लेट आपके हाथ में ऊपर रहेगी, ये पोजीशन है। आपको इसको करना है 10 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 2 सेट्स। यहाँ पर मैंने आपको 1 साइड करके दिखाया है, लेकिन आपको दोनों लेग्स पे करना है। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप मेरी देख रहे हैं, अगर मैं एक बाजू पे भी करके दिखा रही हूँ या एक लेग पे करके दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बोथ साइड करना है। सेम आपको 10 टाइम्स एक साइड पे करना है, सेम 10 साइड आपको अदर लेग पे करना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब बारी आती है हमारी थर्ड एक्सरसाइज की। थर्ड एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने काफ पे काम करना है। आप ये जगह देख रहे हो, ये कई लोगों के गर्ल्स की बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है, इनफैक्ट बॉयज़ की भी। तो अगर ये हमारी ज़्यादा स्किन मोटी है तो अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमें लेना है वेट। अगेन मैं यहाँ पे 7.5 kg का वेट ले रही हूँ। आपने ऐसे हैंड उठाने हैं ऊपर, 1, पंजों पर आना है, फिर नीचे 15 टाइम्स। आपको इसको करना है 15 बारी सेम, और करने हैं इसके 2 सेट। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आप लोग भी वेट के साथ
साथ करेंगे तो आपके काफ मसल पे जल्दी इफेक्ट आएगा। तो गाइस यहाँ पर हमारी तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट होती हैं। प्लीज़ इसको फोकस करना, पॉस्चर ढंग से देखकर करना। 101% आपको कोई जिम नहीं जाना पड़ेगा, कोई यूट्यूब पे कोई गूगल नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इनको ऑनेस्टी के साथ रेगुलर फॉलो करेंगे। वीक में सिर्फ एक दिन का गैप दिया करो अपनी मसल को रिलैक्स करने का। बहुत ज़्यादा भी अपनी बॉडी से एक्सरसाइज मत लो, बट जितने मैंने आपको रैप्स और रिपीटेशन बोली है डेफिनेटली उनको फॉलो करोगे तभी आपको आपका टारगेट अचीव होगा। तो मेरे हाथ में था सिर्फ बताना, करना है आप लोगों को। मेहनत जितनी आप करेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। तो कमेंट करने से पहले ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपने कितना अपने ऊपर फोकस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई एक्सरसाइजेस के साथ, कुछ नए जोश के साथ। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक के पेज पर, मेरा फेसबुक पे पेज है हेल्थ टाइम, और इंस्टा पे मेरा अकाउंट है isha_mehra89। टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं हेल्थ टाइम के नेम से, प्लीज़ फॉलो करिएगा। उसका लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।